हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास पाथ। बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग सेमीकंडक्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा मैं पीएन जंक्शन डायोड हल्का ब्रीफ कर देता हूं इस क्वेश्चन को कराने के पहले। तो पीएन जंक्शन डायोड के बारे में आप जानते हो, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को जब एन टाइप सेमीकंडक्टर से ओवरलैप करेंगे तो पी साइड से होल्स, पी साइड में मेजोरिटी चार्ज कैरियर होता है होल्स, और एन साइड से इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे ड्यू टू द कंसेंट्रेशन डिफरेंस। और कंसेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से जो मूवमेंट होता है उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो इसकी वजह से एक करंट आएगा, दैट करंट विल बी कॉल्ड डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट पी टू एन जाता है। पी जो कि न्यूट्रल था, देखिए पी न्यूट्रल होता है और एन भी न्यूट्रल होता है। पी जो कि न्यूट्रल था उसने होल्स यानी कि पॉजिटिव चार्ज लूज किया, तो पी के साइड नेगेटिव बन गया और एन के साइड पॉजिटिव बन गया। एन जो कि न्यूट्रल था वो नेगेटिव लूज किया, तो इसकी वजह से एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है जो कि एन टू पी क्रिएट होता है। एंड ये पोटेंशियल पी टू एन का जो करंट था यानी कि डिफ्यूजन करंट उसको अपोज करता है। सो दिस पोटेंशियल इज नोन एज बैरियर पोटेंशियल। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए, पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल ये होता है। इसमें जो बैटरी कनेक्ट करते हैं दैट इज नोन एज बायसिंग। बैटरी दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, एक P को हायर पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया और N को लोअर पोटेंशियल से। लाइक कभी कभी क्वेश्चन आता है यहाँ पे जीरो दे देता है और यहाँ पे -2, तो ये भी फॉरवर्ड बायस है। P को हायर से और N को लोअर से कनेक्ट कर दिया तो दैट इज फॉरवर्ड बायस। यहाँ पे अगर -1 होता और यहाँ पे -2, दिस इज ऑल्सो फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस मतलब पी को हायर से और एन को लोअर से कनेक्ट कर दिया, तो जो पोटेंशियल आपने लगाया है वो बैरियर पोटेंशियल के अपोजिट डायरेक्शन में लगाया है। सो विथ ऑफ डिप्लेशन लेयर विल डिक्रीज एंड फाइनली वैनिसेज। तो आपका जो ग्राफ बनेगा फॉरवर्ड बायस का वो कुछ ऐसा बनेगा। जिस पोटेंशियल पे डिप्लेशन लेयर चला जाता है उसे हम नी वोल्टेज बोलते हैं। घुटने पे बैठोगे तो ऐसा ही दिखेगा आपका पैर, इसलिए इसे हम नी वोल्टेज बोलते हैं। इस पोटेंशियल को, ये घुटना है आपका, ठीक है। उसके बाद दूसरा है रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में आप एक पीएन जंक्शन डायोड को में पी को हायर, पी को लोअर पोटेंशियल से और एन को हायर पोटेंशियल से, मतलब पी को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से उल्टा कनेक्ट करते हो तो इसे हम रिवर्स बायस कहते हैं। इसमें आपका विथ ऑफ बैरियर पोटेंशियल बढ़ेगा और खत्म नहीं होगा, बढ़ते जाएगा, बट बढ़ते बढ़ते वैल्यू इतना ज्यादा हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो एटम्स के चारों तरफ घूम रहे वो बाहर निकल जाएंगे, दैट इज कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज आ जाएगा और वो काफी हाई वैल्यू होता है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। यहाँ पे जो नी वोल्टेज है वो 0.8 वोल्ट होता है, ब्रेकडाउन 0.8 वोल्ट के आसपास। हर एक सेमीकंडक्टर का अलग अलग होता है, किसी का 1 भी होता है, 1.1 भी होता है एंड किसी का 0.4 भी होता है। तो 0.8 के आसपास और नी वोल्टेज 80 वोल्ट के आसपास होता है। तो हम कह सकते हैं जो आपका डायोड है वो केवल फॉरवर्ड बायस में काम करता है, बिकॉज रिवर्स बायस में या तो करंट ना के बराबर होगा या तो करंट सडन इनफाइनाइट हो जाएगा ब्रेकडाउन रीजन पे। तो ये आपका एक ब्रीफ बता दिया। यहां तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि अ डायोड वर्क्स ओनली इन फॉरवर्ड बायस एंड डज नॉट वर्क इन रिवर्स बायस। अगर इन पॉइंट्स को आप ब्रीफ में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। एंड देन अब हम बात करते हैं डायोड के बारे में, जो चीज मैंने आपको बताया कि अ डायोड वर्क्स ओनली इन फॉरवर्ड बायस एंड नॉट इन रिवर्स बायस। तो नोट करके इस बात को लिख लीजिए, अ पीएन जंक्शन डायोड works only in forward bias and not in reverse bias. तो इस केस में अगर आप देखते हो तो ये डायोड आपका फॉरवर्ड बायस है और ये डायोड आपका रिवर्स बायस है, तो रिवर्स बायस वाला डायोड काम नहीं करेगा। तो सर्किट से इसको हम हटा देंगे, केवल फॉरवर्ड बायस वाला काम करेगा। तो सर्किट कैसा बन जाएगा, आई होप आपने पॉइंट्स लिख लिया होगा। तो सर्किट कैसा बन जाएगा, रिवर्स बायस है ये 4, मतलब ये तो सर्किट से डिस्कनेक्ट हो गया है 10 वोल्ट। तो करंट I क्या होगा, I 10/5 यानी कि 2 एम्पियर, दैट विल बी योर करंट, 2 एम्पियर विल बी योर करंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर।
देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर बेस्ड है इसी कंसेप्ट पे कि डायोड केवल फॉरवर्ड बायस में काम करता है, रिवर्स बायस में काम नहीं करता है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का दो प्रिंसिपल है, एक है म्यूचुअल इंडक्शन एंड सेकेंड ऑन द फैक्ट दैट अ डायोड वर्क्स ओनली इन फॉरवर्ड बायस एंड नॉट इन रिवर्स बायस। तो यहां पे देखिए दो आपका जो हाफ वेव रेक्टिफायर है, यहां पे म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और एक सिंगल डायोड लगा हुआ है और यहां पे हम आउटपुट दे रहे हैं। प्रिंसिपल क्या है मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ये म्यूचुअल इंडक्शन है एंड ऑन द कंसेप्ट दैट अ डायोड वर्क्स ओनली इन फॉरवर्ड बायस्ड। अब इसकी वर्किंग पे आते हैं, तो वर्किंग का में दो साइकिल होगा, एक साइकिल होगा जिसमें P1 नेगेटिव होगा P2 पॉजिटिव होगा एंड एक साइकिल होगा जिसमें उल्टा होगा, यानी P1 पॉजिटिव होगा और P2 नेगेटिव होगा। तो एक-एक करके दोनों साइकिल को देखते हैं। तो ड्यूरिंग फर्स्ट साइकिल P1 इज नेगेटिव, P2 इज पॉजिटिव, सो बाय म्यूचुअल इंडक्शन S1 पॉजिटिव हो जाएगा और S2 नेगेटिव हो जाएगा। जब S1 पॉजिटिव होगा तो डायोड डी फॉरवर्ड बायस्ड है, फॉरवर्ड बायस्ड है तो कंडक्शन करेगा, यानी इस साइकिल में हमें आउटपुट मिलेगा। दिस इज द फर्स्ट हाफ साइकिल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, फर्स्ट हाफ साइकिल में हमें आउटपुट मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेकंड हाफ साइकिल की बात करते हैं। तो सेकेंड हाफ साइकिल में उल्टा हो जाएगा, P1 पॉजिटिव होगा, P2 नेगेटिव होगा, तो बाय म्यूचुअल इंडक्शन S1 नेगेटिव होगा और S2 पॉजिटिव होगा जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। सो डायोड डी का पी साइड जो है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो इट विल बी रिवर्स बायस और रिवर्स बायस होगा, यानी ये कंडक्शन नहीं करेगा, यानी ए बी के अक्रॉस आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो एक केस में आउटपुट मिलेगा और एक केस में आउटपुट नहीं मिलेगा। दिस इज हाफ वेव रेक्टिफायर इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म। पूछा भी जाता है और अगर नहीं पूछा गया, सिर्फ हाफ वेव रेक्टिफायर पूछा गया है, तब भी आपको यह बनाना है। इनपुट इससे पहले इनपुट के लिए आउटपुट मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा, फिर मिलेगा एंड फिर नहीं मिलेगा एंड सो ऑन। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। सो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। देखिए फुल वेव रेक्टिफायर में डिफरेंस ये है, हाफ वेव रेक्टिफायर में आपको एक साइकिल में आउटपुट मिलता था, फिर आउटपुट नहीं मिलता था, फिर आउटपुट मिलता था। फुल वेव रेक्टिफायर में ऐसा है, आपको दोनों साइकिल के लिए आउटपुट मिलेगा। इसमें दो डायोड यूज होता है। ये देखिए फुल वेव रेक्टिफायर भी हम दो टाइप का पढ़ते हैं, एक होता है सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर और एक होता है ब्रिज रेक्टिफायर। यहां पे हम सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं। तो सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड्स यूज होगा और अगर ब्रिज रेक्टिफायर होता तो उसमें चार डायोड्स यूज होते हैं। प्रिंसिपल इसका यही होगा जो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर का था। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन एंड द फैक्ट दैट अ डायोड कंडक्ट्स ओनली व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस्ड। एक डायोड तभी कंडक्ट करता है जब वो फॉरवर्ड बायस्ड होता है, रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करता है। तो इसकी वर्किंग को देखते हैं। देखिए यहां पे दो है, P1 और P2 प्राइमरी क्वाइल है और S1 S2 सेकेंडरी क्वाइल है। इनिशियली P1 आपका नेगेटिव होगा, P2 आपका पॉजिटिव होगा, जिसको हम फर्स्ट साइकिल बोलेंगे। अगर P1 नेगेटिव होता है, P2 पॉजिटिव होता है, तो बाय म्यूचुअल इंडक्शन S1 आपका पॉजिटिव होगा और S2 नेगेटिव होगा। अगर S1 पॉजिटिव होगा तो डायोड D1 फॉरवर्ड बायस्ड है और डायोड D2 रिवर्स बायस्ड है। डायोड D1 फॉरवर्ड बायस्ड है तो डायोड D1 से करंट फ्लो करेगा और रेजिस्टर में हमें करंट मिलेगा लोड रेजिस्टेंस में X2Y। ये फर्स्ट साइकिल की बात हो गई। अगर हम सेकंड साइकिल की बात करते हैं तो सेकंड साइकिल में उल्टा होगा, आपका P1 पॉजिटिव होगा, P2 नेगेटिव होगा, बाय म्यूचुअल इंडक्शन S1 नेगेटिव होगा। दिस इज S1, दिस इज S2, दिस इज P1, दिस इज P2। S1 नेगेटिव होगा और S2 आपका पॉजिटिव होगा। तो ऐसे केस में डायोड D2 फॉरवर्ड बायस्ड होगा और डायोड D1 रिवर्स बायस्ड होगा। तो डायोड D2 से करंट फ्लो करेगा और रेजिस्टर में हमें करंट मिलेगा फ्रॉम X2Y। तो दोनों केस में हमें करंट मिलेगा, इसलिए इसे हम फुल वेव रेक्टिफायर करते हैं। दोनों केस में करंट हमें एक ही डायरेक्शन में मिलेगा, X2Y। अब इसके वर्किंग को थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, P1 नेगेटिव, P2 पॉजिटिव, तो बाय म्यूचुअल इंडक्शन S1 पॉजिटिव, S2 नेगेटिव, डायोड D1 फॉरवर्ड बायस्ड, डायोड D2 रिवर्स बायस्ड, आउटपुट हमें मिलेगा फ्रॉम X2Y। सेकंड केस देखते हैं, P1 पॉजिटिव होगा, P2 नेगेटिव होगा, बाय म्यूचुअल इंडक्शन S1 नेगेटिव, S2 पॉजिटिव, डायोड D2 फॉरवर्ड बायस, करंट हमें मिलेगा फ्रॉम X2Y। तो ये दोनों पार्ट आप लिख सकते हैं, ये फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट साइकिल और ये सेकंड साइकिल है
तो इस केस में हमें दोनों केस में आउटपुट मिल रहा है, इसलिए इसका जो इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म होगा अगर आपसे रेक्टिफायर पूछा जाता है तो प्रिंसिपल वर्किंग डायग्राम एक ही बनाना है। यहां पे मैंने तीन डायग्राम समझाने के लिए बनाया है, आपको एक ही डायग्राम बनाना है, प्रिंसिपल वर्किंग और ये ग्राफ इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म बोलते हैं। तो फर्स्ट केस में आउटपुट मिल रहा है ड्यू टू D1, सेकेंड केस में आउटपुट मिल रहा है ड्यू टू D2, थर्ड केस में आउटपुट मिल रहा है ड्यू टू D1। तो ऐसे हमें हमेशा आउटपुट मिल रहा है, हर एक साइकिल में आउटपुट मिल रहा है, सो इट इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं LED। देखिए हमें तीन डायोड्स पढ़ने हैं, तीन स्पेशल पर्पस डायोड, PN जंक्शन डायोड के अलावा तीन और पढ़ने हैं, दैट इज लाइट इमिटिंग डायोड, LED, फोटो डायोड और सोलर सेल। ये तीनों डायोड का वर्किंग इंपॉर्टेंट है। हम स्टार्ट करते हैं LED से, लाइट इमिटिंग डायोड से। लाइट इमिटिंग डायोड एक PN जंक्शन डायोड है, इसमें पी साइड और एन साइड दोनों होते हैं। पी साइड को हम कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव से, एन साइड को नेगेटिव से, यानी पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस मोड में यूज करते हैं। जब पीएन जंक्शन डायोड आपका फॉरवर्ड बायस होता है, इधर पी पॉजिटिव से कनेक्टेड है, एन नेगेटिव से कनेक्टेड है, ये पी साइड हो गया और ये एन साइड हो गया। P को पॉजिटिव से और N को नेगेटिव से, ऊपर N भी लिख सकते हैं, नीचे P भी लिख सकते हैं, बस कनेक्शन हमारा P पॉजिटिव से और N नेगेटिव से, ये कनेक्शन होता है। अब देखिए P के पास मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हैं और N के पास मेजोरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब इसे हम फॉरवर्ड बायस करते हैं तो पॉजिटिव प्लेट P के होल्स को धक्का देगा और नेगेटिव प्लेट N के इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देगा, जिसकी वजह से रिपेल करेगा, बिकॉज पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, जिसकी वजह से ये जंक्शन पे आकर रिकम्बाइन होंगे, यहां पे दोबारा कंबाइन होंगे। वर्ड रिकम्बाइन यूज करेंगे बिकॉज ये पहले से कंबाइंड थे, सेपरेट होकर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बनते हैं और फिर से यहां पे कंबाइन हो रहे हैं, तो वो रिकम्बाइन होंगे और रिकम्बाइन होने की वजह से जितना एनर्जी उन्हें सेपरेट होने में लगा था उतना एनर्जी रिलीज होगा। कितना एनर्जी सेपरेट होने में लगा था? जब हमारा कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड बना था तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप किया था और यहां पे एक पॉजिटिव वैकेंसी क्रिएट किया था इलेक्ट्रॉन, जिसे हम होल्स कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी गैप। जितना एनर्जी गैप है, जितना एनर्जी डिफरेंस है, उतना एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को सेपरेट होने में लगा था और जब वो रिकम्बाइन होंगे, वापस से कंबाइन होंगे, तो उतना ही एनर्जी रिलीज होगा। दैट्स व्हाई, और वो एनर्जी जो रिलीज होता है वो फोटॉन्स के फॉर्म में रिलीज होगा। तो ये वर्किंग है एलईडी का, यहां पे लिखा हुआ है, मैं भी आपको एलईडी के डायग्राम्स को दिखा रहा था। तो ये एलईडी का वर्किंग है। हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड है जिसे हम फॉरवर्ड बायस में यूज करते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग की वजह से पी साइड से होल, एन साइड से इलेक्ट्रॉन जंक्शन पे रिकम्बाइन होंगे। ड्यू टू दिस रिकम्बिनेशन एनर्जी रिलीज होगा, उतना ही एनर्जी रिलीज होगा जितना एनर्जी गैप है, और ये एनर्जी रिलीज होगा इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। अब देखिए ये जो फोटॉन्स होंगे वो इंफ्रारेड रीजन में मोस्टली लाइक कर सकते हैं। अच्छा, ये एक और चीज, यहां पे इसे कट किया गया है सो दैट ये इलेक्ट्रॉन्स इजीली निकल सके, मतलब एनर्जी आपका इजीली मिल सके। सेकंड, ये इलेक्ट्रॉन्स इंफ्रारेड रीजन में लाइक करेगा बिकॉज जितने भी सेमीकंडक्टर है, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, सिलिकन, गैलियम, जर्मेनियम, उनमें सिलिकन का हाईएस्ट होता है और वो होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर कंबाइन होने के बाद जो फोटोन रिलीज होगा, उस फोटोन की एनर्जी होगी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर एक फोटोन की एनर्जी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है तो वो फोटोन आपका इंफ्रारेड रीजन में लाइक करेगा। अगर आप चाहते हो कि जो फोटोन निकले वो विजिबल रीजन में लाइक करे, तो उसके लिए आपका जो सेमीकंडक्टर होना चाहिए उसका एनर्जी गैप 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होना चाहिए। सो साइंटिस्ट ने एक नया सेमीकंडक्टर बनाया, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। ये जो सेमीकंडक्टर है गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, GaAs1-X और PX नाम याद रखिएगा, ये सेमीकंडक्टर का एनर्जी गैप 1.8 से 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है और ये विजिबल रीजन में लाइक करता है। तो एलईडी के लिए, एलईडी मतलब जो लाइट इमिट करे उसके लिए विजिबल लाइट, लाइट की मतलब विजिबल लाइट बात कर रहे हैं, वो उसके लिए हम लोग गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड सेमीकंडक्टर यूज करते हैं। इसके अलावा हमें ऐसा एलईडी भी चाहिए जो इंफ्रारेड रेडिएशन यूज करे। वो एलईडी कहां यूज करते हैं? आपने रिमोट देखा होगा, तो रिमोट के आगे जो लाइट लगा होता है,
जैसे ये रिमोट है, रिमोट के आगे जो लाइट है ये एलईडी है और ये इंफ्रारेड रेडिएशन देता है। इसे आप नेकेड आई से तो नहीं देख सकते हो बट कैमरा से देख सकते हो, मोबाइल के कैमरा से देख सकते हो बिकॉज ये इंफ्रारेड रेडिएशन दे रहा है। ये एलईडी आपका इंफ्रारेड रेडिएशन दे रहा है तो ये गैलियम आर्सेनाइड का बना होता है और यहाँ पे यूज होता है। इसके अलावा बर्गलर अलार्म में भी हम लोग एलईडी यूज करते हैं, वो भी इंफ्रारेड रेडिएशन देता है। तो उस इंफ्रारेड रेडिएशन देने के लिए हम जो सेमीकंडक्टर यूज करेंगे वो गैलियम आर्सेनाइड यूज करेंगे, ना कि गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कहां पे गैलियम आर्सेनाइड यूज करना है, कहां पे गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड यूज करना है। सो दीज आर द यूजेस ऑफ सेमीकंडक्टर। जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया, एक तो लैंप के लिए इनकैंडेसेंट लैंप, मतलब जो एलईडी लाइट्स यूज हो वहां पे आपका एलईडी यूज होगा जो कि गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड का बना होगा। बार बार मैं ये नाम इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको ये नाम याद रहे। इसके अलावा दूसरा हम लोग बर्गलर अलार्म में यूज करते हैं और हमने देखा कि हम इसे रिमोट वगैरह के लिए भी यूज कर सकते हैं। एलईडी फॉरवर्ड बायस में यूज होता है तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा फोटोडायोड। फोटोडायोड एलईडी का रिवर्स काम करता है। एलईडी में क्या था, एलईडी में इलेक्ट्रॉन होल पेयर कंबाइन होते थे और फोटॉन्स इमिट होता था इन द फॉर्म ऑफ लाइट। फोटोडायोड्स में क्या होता है, फोटॉन्स आता है और इलेक्ट्रॉन होल पेयर सेपरेट होते हैं। देखिए जब फोटॉन्स गिरता है एक फोटोडायोड पे और उस फोटोन की एनर्जी गैप से ज्यादा होगा, जो सेमीकंडक्टर यूज हुआ है उसके एनर्जी गैप से ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में जाएंगे और जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट करेंगे। ये फोटोडायोड की वर्किंग है। फोटोडायोड की वर्किंग आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फोटॉन्स जिसकी फोटोन की एनर्जी यानी कि एच न्यू एनर्जी गैप से ज्यादा होने पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर सेपरेट होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर सेपरेट होने के बाद एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं जिसे हम फोटोवोल्टेज कहते हैं और वो फोटोवोल्टेज की वजह से कंडक्शन होता है। दैट इज द वर्किंग ऑफ फोटोडायोड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो फोटोडायोड रिवर्स बायस में यूज किया जाता है, ये डायग्राम है। अब यहां पे ये बात पूछा जा सकता है व्हाई फोटोडायोड इज यूज्ड इन रिवर्स बायस, ये क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन जस्ट अब हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले आप देख लीजिए, ये फोटोडायोड है, पी साइड को नेगेटिव से और एन साइड को पॉजिटिव से कनेक्ट किया गया है और ये रिवर्स बायस का ग्राफ दिया गया है। सो जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि फॉरवर्ड बायस में करंट हायर होता है, मिली एम्पियर में होता है, रिवर्स बायस में करंट लोअर होता है, माइक्रो एम्पियर में होता है। डिस्पाइट दैट व्हाई फोटोडायोड इज यूज्ड इन रिवर्स बायस क्वेश्चन है। इसके अलावा फोटोडायोड को रिवर्स बायस में क्यों यूज किया जाता है, फॉरवर्ड बायस में क्यों नहीं यूज किया जाता है, तो इसका एक्सप्लेनेशन समझिए क्या होगा। एक्सप्लेनेशन समझने के पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूं, फिर हम इसके आंसर्स को देखेंगे। देखिए इसका एक लाइन में अगर आंसर बोलना चाहूं मैं तो ये बोलूंगा कि रिवर्स बायस में फ्रैक्शनल चेंज ज्यादा होता है। अब क्या कहना चाहता हूं, जैसे मैं एक सेमीकंडक्टर लेता हूं पी टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों होते हैं। आपको पता है नंबर ऑफ होल्स काफी ज्यादा होता है कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो मान लेते हैं इसमें नंबर ऑफ होल्स 10,000 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 100 है, मतलब इसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स है, जैसा कि होता है पी टाइप में। दिस आर नंबर ऑफ होल्स, दिस आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एच एन ई। अब इसमें लाइट आता है, इस फोटोडायोड पे लाइट आता है तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे एक्साइटेशन की वजह से। मान लेते हैं वो इक्वल ही जनरेट होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन और उतने ही होल जनरेट होंगे, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन होल पेयर। तो चेंज इन इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं 10 है और चेंज इन होल भी 10 ही होगा बिकॉज उनका एक नंबर इक्वल होता है। तो अगर मैं यहां से आपसे पूछता हूं कि फ्रैक्शनल चेंज इन इलेक्ट्रॉन कितना है और फ्रैक्शनल चेंज इन होल कितना है, तो फ्रैक्शनल चेंज इन इलेक्ट्रॉन मतलब कि डेल्टा एन ई बाई एन ई ये होगा 10/100 यानी कि 1/10, ये फ्रैक्शनल चेंज इन इलेक्ट्रॉन हो गया। फ्रैक्शनल चेंज इन होल डेल्टा एनएच बाई एच एनएच ये होगा 10/10,000 यानी कि 1/1,000। अब देखिए फ्रैक्शनल चेंज इन इलेक्ट्रॉन
1/10 है, फ्रैक्शनल चेंज इन होल 1/1000 है। तो फ्रैक्शनल चेंज इन इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, काफी ज्यादा है, दैट्स वाई फोटोडायोड को हम लोग रिवर्स बायस में यूज करते हैं, बिकॉज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का जो फ्रैक्शनल चेंज होता है वो ज्यादा ऑब्जर्वेबल होता है कंपेयर टू मेजोरिटी चार्ज कैरियर। अब इस चीज को लिखेंगे कैसे, आंसर कैसा जाएगा हमारा, तो ये पूरा बड़ा सा आंसर है जैसा कि हमने डिस्कस किया, डेल्टा एन डेल्टा पी बराबर होगा एन इज वेरी, ये एन टाइप लिया है सेमीकंडक्टर, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में N is very very greater than P, hence fractional change in the majority charge carrier, यानी कि delta N by N is less than the fractional change in minority charge carrier, मतलब कि photo effect due to minority charge carrier will be higher, that's why photodiode is used in reverse bias. So अगला topic है solar cell. सोलर सेल पहले हम समझते हैं डायग्राम क्या होता है। तो सोलर सेल में सिलिकन का ही पी टाइप भी यूज करते हैं और एन टाइप भी यूज करते हैं। पी टाइप थिक होता है और एन टाइप थिन होता है, ऊपर वाला एन टाइप है नीचे वाला पी टाइप है। इनफैक्ट जो डिफरेंस है वो लगभग 1000 times होता है। जैसे आपने पी टाइप को ले लिया 300 micrometer का, तो एन टाइप को लेना होगा 0.3 micrometer, एक डिफरेंस लगभग 1000 times का। एन टाइप के ऊपर मेटेलिक कॉम्स हम लगा देते हैं और ये मेटेलिक कॉम्स पूरे सेमीकंडक्टर में फैला होता है, बट इफेक्टिव एरिया केवल 15% कवर करता है, लगभग 15%, लेस देन 15%। जैसे कि आप समझिए एक टेबल है, उस टेबल पे मैंने वायर लगा दिया, तो पूरे टेबल पे वायर लगा सकता हूं, बट वो इफेक्टिव एरिया बहुत ही पतला हुआ है हर जगह, वो इफेक्टिव एरिया जो है वो 10-15% ही कवर करेगा। तो कुछ ऐसा ही मेटेलिक कॉम्स इस पे लगा देते हैं। अब जब इस पे सनलाइट गिरता है तो बिल्कुल फोटोडायोड जैसा ही वर्किंग होगा। डिफरेंस ये है कि फोटोडायोड में आप एक बैटरी यूज करोगे, फोटोडायोड रिवर्स बायस में यूज होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि व्हाई फोटोडायोड इज यूज्ड इन रिवर्स बायस। सोलर सेल खुद एक सेल है तो इसमें कोई बायसिंग नहीं आती है, ये नॉर्म खुद ही एक फोटोवोल्टेज क्रिएट करता है। तो समझते हैं क्या होता है इसमें। जब सनलाइट सोलर सेल पे गिरता है और सनलाइट की एनर्जी गैप से ज्यादा होगा, एच न्यू ई जी से ज्यादा होगा, तो तीन चीजें होंगी, जी एस सी, जनरेशन, सेपरेशन और कलेक्शन। ये तीन वर्ड है, जनरेशन, सेपरेशन और कलेक्शन, आप इसे ऐसे याद रख सकते हो जैसे कि जीएसटी, तो उसी तरीके से जी एस सी, जनरेशन, सेपरेशन एंड कलेक्शन। जब सनलाइट गिरता है तो फोटोन गिरने की वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ है, इलेक्ट्रॉन एन साइड मूव कर जाएगा और होल पी साइड चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन एन साइड जाने के बाद ये हो गया सेपरेशन, इलेक्ट्रॉन एन साइड मूव गया। क्यों मूव किया? क्योंकि जंक्शन का, आपको पता है फोटोडायोड भी एक पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन में पी साइड नेगेटिव होता है और एन साइड पॉजिटिव होता है, पी साइड नेगेटिव होता है और एन साइड पॉजिटिव होता है, ये आपका बैरियर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा यानी कि एन साइड जाएगा, और होल जो है वो नेगेटिव की तरफ जाएगा यानी कि पी साइड जाएगा। दैट्स वाई जैसे ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है, इनका सेपरेशन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन एन साइड और होल पी साइड जाता है। होल पी साइड जाकर इसके बेस पे कलेक्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन एन साइड ये जो मेटेलिक कॉम्स लगे हुए हैं उन मेटेलिक कॉम्स पे कलेक्ट हो जाएगा। अब ये मेटेलिक कॉम्ब हर जगह लगे हुए हैं, तो जहां भी इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होते ही उसे पोटेंशियल डिफरेंस दिखेगा। ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ये पी साइड से कनेक्टेड है, पी साइड होल्स कलेक्ट हो रहे हैं, होल्स के कलेक्शन की वजह से वो पॉजिटिव हो गया, तो इससे एक पोटेंशियल डिफरेंस दिखेगा, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर चलना शुरू करेगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जाएगा तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये पूरा वर्किंग है जी एस सी, ध्यान रखिएगा, जनरेशन, सनलाइट जिसकी एनर्जी गैप से ज्यादा है, जब सोलर सेल पे गिरती है तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन होता है, वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सेपरेट होते हैं, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन मेटेलिक कॉम्ब पे और होल पी साइड के प्लेट पे कलेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से फोटोवोल्टेज क्रिएट होता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सिलिकन और गैलियम आर्सेनाइड प्रीफर्ड मटेरियल क्यों है, बाकी दूसरे क्यों नहीं है। जैसा कि आप सनलाइट देखते हो, तो सनलाइट जब आता है तो उसमें एक एनर्जी नहीं, 0.3 वोल्ट से लेकर 3.4 वोल्ट तक के सारे फोटॉन्स होते हैं, बट जो आपका फोटॉन्स का नंबर
यानी कि इंटेंसिटी 1.5 वोल्ट है उसके आसपास सबसे ज्यादा होता है। सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड का जो एनर्जी गैप है वो 1.1 और 1.4 यानी कि 1.5 के आसपास ही है, तो इसलिए हम सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड को प्रिफर्ड मटेरियल लेते हैं। ये आंसर है इसका, आप देख सकते हो। और यहाँ पे सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज कर लिया।